अभी तक एक रुपए का भ्रष्टाचार केंद्र सरकार और उनकी सारी एजेंसियां साबित नहीं कर पाई हैं। भारतीय जनता पार्टी को आम आदमी पार्टी से डर लगता है। मैं दावे के साथ कह सकती हूं कि जिस तरह 15 महीने की इन्वेस्टिगेशन में एक चवन्नी के भी घोटाले का सबूत नहीं मिला, वो संजय सिंह के घर पे एक बार रेड कर लें, 10 बार रेड कर लें, उनके गांव में रेड कर लें, उनके दफ्तर में रेड कर लें, एक पैसा भी भ्रष्टाचार का संजय सिंह के पास नहीं मिलेगा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के आवास पर ईडी की छापेमारी को लेकर केजरीवाल सरकार में मंत्री आतिशी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। आतिशी ने कहा कि पिछले 15 महीने से इस तथाकथित शराब घोटाले में सीबीआई ईडी जांच कर रही है, लेकिन अभी तक एक रुपए का भ्रष्टाचार केंद्र सरकार और उनकी सारी एजेंसियां न साबित कर पाई हैं और ना ही कोई सबूत दे पाई हैं। ये दिखाता है कि बीजेपी को आपसे डर लगता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पता है कि वो लोकसभा चुनाव हार रहे हैं। पिछले 15 महीने से इस तथाकथित एक्साइज घोटाले में सीबीआई जांच कर रही है, ईडी जांच कर रही है, सैकड़ों अफसर इन्होंने ईडी के लगा दिए, सैकड़ों अफसर सीबीआई के लगा दिए, लोगों को अरेस्ट कर दिया, उनको टॉर्चर कर दिया, लेकिन अभी तक एक रुपए का भ्रष्टाचार केंद्र सरकार और उनकी सारी एजेंसियां साबित नहीं कर पाई हैं, उसका सबूत नहीं दे पाई हैं। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी को आम आदमी पार्टी से डर लगता है। ये दिखाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पता है कि जो चुनाव आने वाला है लोकसभा का, उस चुनाव को भारतीय जनता पार्टी हार रही है, और इस हार की बौखलाहट में, इस हार के डर में, चाहे आम आदमी पार्टी के नेताओं पर रेड करना हो, चाहे जर्नलिस्ट पर रेड करना हो, चाहे टीएमसी की एमपी को घसीट के लेके जाना हो, यह भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार कर रही है। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकती हूं कि जिस तरह 15 महीने की इन्वेस्टिगेशन में एक चवन्नी के भी घोटाले का सबूत नहीं मिला, वो संजय सिंह के घर पे एक बार रेड कर लें, 10 बार रेड कर लें, उनके गांव में रेड कर लें, उनके दफ्तर में रेड कर लें, एक पैसा भी भ्रष्टाचार का संजय सिंह के पास नहीं मिलेगा। ये एक हार के डर से जूझते हुए प्रधानमंत्री के सारे संकेत हैं, सारे लक्षण हैं, जो एक डेस्परेशन में, चाहे आम आदमी पार्टी पे, चाहे अन्य विपक्षी पार्टियों पे, चाहे जर्नलिस्ट पे हमला कर रहे हैं। लेकिन मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बताना चाहूंगी कि अब देश की जनता अपना मन बना चुकी है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को वो हटाने वाले हैं। आपने जिसको जेल डालना है जेल डाल दो, आपने जिसके यहां रेड करनी है रेड कर लो, लेकिन जनता आपसे परेशान है, आपकी पार्टी से परेशान है और आपके खिलाफ ही वोट देगी। आपको बता दें, ईडी ने दिल्ली आबकारी घोटाले के सिलसिले में आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह के घर पर बुधवार को छापेमारी की। ईडी की एक टीम सुबह 7 बजे सांसद के आवास पर पहुंची और छापेमारी के साथ ही तलाशी अभियान शुरू किया। ईडी का मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई की ओर से दायर एक प्राथमिकी पर आधारित है। फिलहाल ईडी ने 4 आरोप पत्र दायर किए हैं और मामले की आगे की जांच जारी है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।